नमस्कार, मैं सनी तुसीर। राजधानी दिल्ली की सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है ईमानदारी को लेकर, और ईमानदारी को लेकर ही अब पंजाब में अगला पड़ाव जो है वो केजरीवाल सरकार के द्वारा शुरू करवा दिया है। और बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार से ईमानदार कोई नहीं है, दिल्ली सरकार का हर वो अधिकारी ईमानदार है जो अधिकारी दिल्ली सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी धांधली की बात बताएंगे जिससे आपका वोटिंग सिस्टम से भरोसा ही उठ जाएगा। दरअसल बात है फार्मेसी चुनाव की। फार्मेसी चुनाव में किस तरीके से धांधली की जाती है, वो भी वोटों को लेकर, उसका जीता जागता उदाहरण आज हम आप लोगों के सामने लाइव पेश करेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा चुनाव किया जाता है फार्मेसी का, और उस चुनाव में किस तरीके से सिर्फ उन्हीं के जो नेता होते हैं वही जीतकर उस फार्मेसी डिपार्टमेंट को संभालते हैं जो अपने आप में भ्रष्टाचार कहलाते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करेगा तो उसको चुनाव जीतने की बात तो दूर की है, वो उसको डिपार्टमेंट के अंदर तक नहीं घुसने देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विकास तुसीर, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के अंदर फार्मेसी चुनाव में कितनी बड़ी धोखेबाजी और कितनी बड़ी धांधली हुई है। आइए बात करते हैं विकास जी, किस तरीके से ये चुनाव किया गया। पहले तो ये चुनाव लेट ही करवाया गया है और अब चुनाव हुआ है तो उसमें भी बड़ी धांधलीबाजी है जी। चुनाव दिल्ली फार्मेसी काउंसिल का 2017 में होना था, लेकिन ये पांच सात आदमी ऐसे हैं जो मिलके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, तो इन्होंने चुनाव कराने की मन में ही नहीं थी। तो हाई कोर्ट में जाने के बाद, हाई कोर्ट के इंटरफेयर करने के बाद ही ये चुनाव हुआ है। इस चुनाव को होने के बाद भी दुनिया भर की धांधली उनके द्वारा की गई। इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो है रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह। रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह के खिलाफ मैं पिछले 6 महीने से आवाज उठा रहा हूं उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो पिछले 6 महीने से इंटरव्यू लेके बच्चों को परेशान कर रहे हैं, एक एक बच्चे को 4-4, 5-5 महीने तक वहां धक्के खिला रहे हैं ताकि बच्चा परेशान होगा तो किसी न किसी दलाल को ढूंढेगा तो फिर पैसे चाहिए उसको, जिसके पैसे मिल जाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये सिस्टम वहां पे चल रहा है, इसके खिलाफ मैं शुरू से आवाज उठा रहा हूं। तो जब मैंने चुनाव लड़ने की सोची तो इन्होंने अपने हिसाब से, इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया, अपने हिसाब से असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त किया, और अजय शर्मा और पंकज दात्रे जो पुराने मेंबर है उनके साथ मिलकर इस धांधली को अंजाम दिया। इसमें क्या क्या धांधली की गई मैं बता देता हूं। पहली बात तो जो रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है वो किसी भी कैंडिडेट से मिले ही नहीं, बार बार हमारे आग्रह करने के बाद भी हमारे से एक बार भी नहीं मिले। हम सिर्फ उनसे मिलकर ये कहना चाह रहे थे कि हमें एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, लेकिन वो कोरोना का बहाना बना के कभी कह के मैं ऑफिस से बाहर हूं, ये करके हमसे कभी नहीं मिले। इवन नॉमिनेशन में भी वो हमारे से नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, हमारे नॉमिनेशन करने के बाद हमें पता लग गया कि अजय शर्मा और पंकज दात्रे ने नॉमिनेशन किया है जो कि DOPT रूल के हिसाब से सही नहीं है। मैंने फोन करके डॉक्टर राजीव टोंक जो ARO हैं उनको मैंने बताया कि DOPT रूल के हिसाब से अजय शर्मा और पंकज दात्रे चुनाव नहीं लड़ सकते, आप इनके नॉमिनेशन को एक्सेप्ट मत कीजिए। तो उन्होंने कहा आप रिटर्न में हमें दे दो, हम देखेंगे। तो मैंने उनको रिटर्न में दिया, जिसकी मैं एक रिसीविंग की कॉपी में आपको दिखा रहा हूं, ये मैंने उनको रिटर्न में दिया 14/9/17/9। लेकिन जब मैं देखता हूं जो स्क्रूटनी के बाद लिस्ट आई तो उसमें तो उनका नाम था, मैं तो बड़ा सरप्राइज रह गया। मुझे तभी अंदेशा हो गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो उन्होंने कर दी है भाई, जब वो कंप्लेंट देने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो चलो कोई बात नहीं, उसके बाद चुनाव आगे बढ़ा तो जब हमारे हाथ में वोटर लिस्ट आई तो मैंने देखा कि कम से कम 2,500-3,000 नाम ऐसे हैं जो लिस्ट में लिए ही नहीं गए। भाई 17,000-17,500 की टोटल लिस्ट हमें दी गई, 2,500-3,000 आदमी ऐसे हैं जिनको लिस्ट में नहीं लिया गया। तो इसके खिलाफ मैं क्यों नहीं लिया गया था इनको लिस्ट में, आखिरकार क्या कारण बताया गया जब आपने इनसे पूछने की कोशिश की कि आप ये 2,500-3,000 नाम जो है वो लीजिए क्योंकि ये फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, आप इनकी भी वोट डल सकती है, तो वे क्यों नहीं ले रहे थे, क्या उनको खतरा था? उनको पूरा खतरा था, उनकी शुरू से मतलब था कि किसी भी तरह से अजय शर्मा और पंकज दात्रे इस टीम को दोबारा से जिताया जाए, तो उसी साजिश के तहत ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा था। मैंने जब उनको बताया कि वोटर लिस्ट में बहुत सारी खामियां हैं, वोटर लिस्ट में बहुत सारे नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप हमें मेल के द्वारा और वैलिड ID लगा के उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के तो मेल करो तब हम देखेंगे। तो उनके कहने के बाद मैंने उनको मेल की, देखो ये मैंने इतनी मेल कर रखी है, मैंने मेल तो 18 सितंबर से शुरू कर दी थी, 18 सितंबर 24 25 26 27
ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, सभी के पहचान पत्र भी यहाँ पर लगाए गए, वोटर आई कार्ड यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि वो कुछ और ना बयां कर सके, इनको जुटला ना सके। ये देखिए सभी के पहचान पत्र यहाँ पर लगाए गए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि क्या ना जाने कितने पहचान पत्र और वोटर आई कार्ड जो है सैकड़ों लगाए गए, सैकड़ों नाम मैंने, और ये फार्मेसी का भी कार्ड जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, आई डी कार्ड मिलता है, सैकड़ों नाम मैंने उनको भेजे कि इनको आप ठीक कीजिए। कहने के बाद भी, पहली बात तो उन्होंने किसी चीज किसी भी मेल का जवाब ही नहीं दिया, बार बार कहने के बाद भी उन्होंने हमें समझा ही नहीं, क्योंकि उनका शुरू से एक मंशा थी कि उन्होंने उनको जिताना है और हमें हराना है। रीजन कि अगर हम सिस्टम में वहां आएंगे तो उनका ये भ्रष्टाचार रुक जाएगा, वो ये भ्रष्टाचार आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो उस साजिश के तहत शुरू से ही काम कर रहे थे। तो चुनाव जैसे आगे बढ़ता है तो एक तारीख जो कि लास्ट डेट थी मत पत्र वापस रिसीव करने की रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, एक तारीख को मैंने एआरओ डॉक्टर राजीव टोंग को शाम को 5:30 बजे के बाद फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि अभी तक टोटल वोट कितनी आपके पास आ चुकी हैं। उन्होंने मेरे को 1 घंटे बाद का टाइम दिया कि 1 घंटे बाद आप मेरे को कॉल कीजिए। 1 घंटे बाद मैंने जब उनको कॉल की तो उन्होंने मेरे को बताया कि 7745 वोट आ गई है। तो मैंने पूछा कि क्या और भी वोट आएंगी, बोला नहीं 5:30 बजे तक का टाइम था, अब कोई वोट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसने बोला आपको? ये डॉक्टर राजीव टोंग एआरओ हैं, प्रोफेसर हैं डिप्सरू में, उन्होंने मेरे को बोला। और अगले दिन सुबह जब गिनती शुरू होती है तो अनाउंस किया जाता है कि टोटल वोट 8844। मैं तो एकदम सरप्राइज रह गया, और सरप्राइज क्या, मैंने तो उसी वक्त मान लिया था अब गिनती हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने जो मैनिपुलेशन करनी थी वो कर चुके हैं। रात रात में 1100 वोट बढ़ा दी गई, 7745 7745 से 8844 तक पहुंचा दी, तो टोटल वहां पे मैनिपुलेशन की गई। इसके अलावा जब काउंटिंग शुरू हुई 30 टेबल बनाई गई थी, एक टेबल पर 3-3 आदमी बैठे हुए थे, हम सबको, हम मेरे को और जो कैंडिडेट थे किसी को भी फोन अलाउ नहीं था, लेकिन सभी काउंटिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इवन रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह, सब फोन यूज कर रहे थे, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो एक दूसरे को मैनिपुलेशन करने के लिए निर्देश दे रहे थे कि भी ऐसे करो ऐसे करो। और हमें 600-700 वोट उन्होंने उस टाइम पर रिजेक्ट की, एक भी वोट हमें ये नहीं दिखाई गई कि वो भी क्यों रिजेक्ट की है, और ना ही आज हम जैसे आज तारीख कितनी आज का कारण नहीं बताया गया कि ये जो 700-800 वोट रिजेक्ट की गई है किस कारण की वजह से रिजेक्ट की गई है, आखिरकार क्या कारण था कि लास्ट समय पे ये सभी वोटों को रिजेक्ट किया गया है? किसी भी वोट को कैंसिल करने का कोई भी कारण मुझे नहीं बताया गया, इवन अभी तक भी, आज 1.5 महीना हो गया है काउंटिंग होने के बाद, अभी तक भी ना तो रिजेक्ट वोट क्यों की गई उसका को कारण बताया गया है, और ना ही रिटर्न में टोटल कितनी वोट उनके द्वारा गिनती में ली गई, काउंटिंग में ली गई वो बताई गई है, ना ही ये बताया गया है टोटल अनडिलीवर्ड जो पोस्ट ऑफिस से वापस आई किसी के एड्रेस चेंज होने की वजह से, वो 2500 आई, 3000 आई, 4000, वो भी अभी तक नहीं बताया गया है। तो टोटल मैनिपुलेशन है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। जब चुनाव खत्म होता है 2 तारीख को, तो मैंने 4 तारीख को 5 तारीख को मैंने लेटर डाले कि मुझे अपनी जानकारी के लिए, तो उन्होंने लेटर, ये 11-11 और 13-11 के लेटर हैं, ये दोनों लेटर रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ये कह के वापस कर दिए गए, नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस, ये आप इस पे एड्रेस भी देख सकते हो, उस भी आर का एड्रेस है, रिटर्निंग ऑफिसर दिल्ली फार्मेसी काउंसिल इलेक्शन, ये रिसेप्शन रूम पूरा वही एड्रेस है। तो हमने सोचा जिस एड्रेस से आपको लेटर आते थे और जिस एड्रेस से लेटर सभी वोटर्स के पास गए हैं वही एड्रेस है, और उसके बावजूद भी आपके एड्रेस को झुठला दिया गया, ये वही एड्रेस है, ये देखिए ये इसी एड्रेस से वोट आई है, इसी एड्रेस में भेज रहे हैं, तो कह रहे नो सच पर्सन एट दिस एड्रेस। फिर उसके बाद सरप्राइज, तो असली सरप्राइज तो हम जब रह गए, जब हमारे बार बार कंप्लेंट करने के बाद, इसके बाद हमने कंप्लेंट डाली, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंप्लेंट डाली, हमने उसके बाद ऑनरेबल जो है लेफ्टिनेंट साहब, गवर्नर जो है एलजी साहब को डाली, चीफ सेक्रेटरी साहब को डाली, अपना श्री राजकुमार जी को भी डाली, जीपीएस बल्ला प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, इन सब को, यहां से कोई जवाब नहीं मिला आपको? कहीं से भी अभी तक कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब मेरे को नहीं मिला है। इतनी कंप्लेंट डालने के बाद, बार बार मेल करने के बाद 6 दिसंबर को, ये देखिए 6 दिसंबर को रात को 9:11 पे मेरे को मेल आती है, उस मेल में लिखा है प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड अटैच्ड ए सॉफ्ट कॉपी ऑफ द डीपीसी इलेक्शन 2021 रिजल्ट। 2 नवंबर को काउंटिंग होने के बाद 6 दिसंबर को मेरे को रिजल्ट भेज रहे हैं मेल के द्वारा, वो भी हो सकता मेरी कंप्लेंट जो उससे को प्रेशर आया हो, चलो वो भी देखी जाए। उसके बाद जब मैं उसको कॉपी को खोल के देखता हूं तो मैंने देखा है कि उस पर रिटर्निंग ऑफिसर के साइन है जो 25/11 में किए गए हैं। आप 11/11 में 13/11 में तो कह रहे हैं कि वहां कोई आदमी है ही नहीं इस नाम का, तो 25/11 में साइन करने के लिए वो आदमी कहां से आ गया? जो आदमी 13/11 में नहीं, 11/11 में नहीं, 25/11 में कैसे आ गया?
तो 25 ये सरासर धांधली है और मैनिपुलेशन की गई है। और मैं तो यही मानूंगा कि ये 6 दिसंबर को तैयार की गई बैग से जो ये आप आरोप लगा रहे हो, अगर ये आरोप सत्य पाए गए या ये आरोप आपके बेबुनियाद जो है वो वहां से कर दिए गए, तो आप क्या किस तरीके से आरोप लगा? बेबुनियाद नहीं हो सकते। मैं अपने आरोपों के बारे में इतना श्योर हूं, अगर आपको लगता है कि मेरे आरोप निराधार हैं, मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं। लेकिन साथ के साथ कुलदीप सिंह रजिस्ट्रार, रिटर्निंग ऑफिसर श्री राजकुमार जी, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राजीव टोंक, दूसरे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर सचिन, इनका भी नार्को टेस्ट साथ के साथ कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और लोगों का इस लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास जग सके। बिल्कुल, लोग अगर इसी तरीके से वोटिंग में धांधलेबाजी हो जाए, क्योंकि देखिए दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे ठोक रही है ईमानदारी को लेकर कि दिल्ली सरकार से बड़ी ईमानदार सरकार कोई है ही नहीं, और उसी ईमानदार सरकार में आप लोगों को लोकतांत्रिक का अभाव दिखाई दे और लोकतांत्रिक खुलेआम आपको बिकता हुआ नजर आए, तो फिर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोकतांत्रिक पे ही वो लोग विश्वास करते हैं। ये कुछ फोटो जो और दिखा रहे हैं हमारे विकास भाई, बताइए। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब रजिस्ट्रार से अब कोई भी पूछता है कि भी आपने इतनी बड़ी धांधली की, वो कहता है मेरा इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जबकि मैं दिखाना चाहूंगा कि उस दिन काउंटिंग के दौरान वो पूरा दिन वहां पे मौजूद थे। और ये देखिए, सिर्फ मौजूद नहीं थे, ये देखिए इनकी साठगांठ। तो उसी दिन की फोटो है, ये उसी दिन की फोटो है काउंटिंग खत्म होने के बाद की। ये नीचे नाम लिखे हुए हैं, श्री कुलदीप सिंह रजिस्ट्रार, ये आईएएस हैं श्री राजकुमार जी, ये दूसरे एआरओ हैं, ये एआरओ हैं। ये देखिए कि कंधे पे हाथ लगाया हुआ है, इनकी कमर में हाथ लगाया हुआ है, ये देखिए दूसरे एआरओ इनकी कमर में हाथ लगाया हुआ है। क्या ये प्रोटोकॉल है? क्या एक अधिकारी को, एक चुनाव अधिकारी को निष्पक्ष नहीं रहना चाहिए? वो इस तरह से करेंगे कि किसी एक को जिताने के लिए उस तरह से, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ एक साजिश के तहत किया गया है और सिर्फ दूसरे पक्ष को हरवाने के लिए किया गया है, ताकि उनका भ्रष्टाचार ऐसे चलता रहे, उनकी दुकान बंद ना हो सके। बिल्कुल, अगर ऐसे ही भ्रष्टाचारी अधिकारी रहे तो एक दिन लोकतांत्र पर जो है वो लोग भरोसा करना छोड़ देंगे और लोकतांत्रिक वो अपने आप में एक बड़ी हानि की तरफ जाता हुआ जरूर नजर आएगा। लास्ट में क्या मांग है आपकी और किस तरीके से आप चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन किया जाए, ताकि एक जो अच्छे तरीके से जो है वो मैन्युफैक्चर करके कहीं ना कहीं वोट दोबारा गिरवाया जाए और एक जो सच्चा नेता है वो फार्मेसी में आए और लोगों की जरूरतों को पूरा करे? देखिए, मैं नेता बनने के लिए सब नहीं कर रहा हूं, मुझे नेता नहीं बनना चाहे, मैं तो सीएम साहब से और हेल्थ मिनिस्टर जी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसकी जांच कराई जाए और जितने भी ये कल्प्रिट हैं, जिन्होंने भी ये साजिश की है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो आईएएस लेवल के हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हैं, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी लोकतांत्रिक प्रणाली को ठेस पहुंचाई है, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो मिसाल बन जाए, कि पूरे भारतवर्ष में उसकी मिसाल दी जाए कि केजरीवाल जी ने ऐसा एक्शन लिया है और किसी भी पद का कोई ध्यान नहीं रखा, चाहे कोई बड़ा आदमी कोई छोटा आदमी है, सबके लिए न्याय बराबर है, ये इस चीज का केजरीवाल जी विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, और लास्ट में मेरा भी अनुग्रह यही रहेगा कि जिस तरीके से आपने ये वोट डाली है, जिस भाई ने भी ये वोट डाली है उसने अपने कैंडिडेट के लिए ये वोट डाली होगी, लेकिन वो कैंडिडेट अगर कोई और चुना जाता है तो अपने आप में कितना दुखनीय है वो आप कुछ सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो दिल्ली सरकार पर भरोसा कर सकते हैं। अगर मेरे को भी वोट डालनी होगी, मैं अपने कैंडिडेट को वोट डालता हूं और मेरे को पता चलता है कि मेरी वोट तो वहां पर गई नहीं, मेरी वोट तो वहां पर काउंट ही नहीं हुई, तो उसके बावजूद कौन वोट डालेगा और कौन भारत के इस लोकतंत्र पर भरोसा करेगा? देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ, मैं सुनीतु सिंह, दिल्ली समाचार।